आज हमें क्रूज़ में ऑडियो सिस्टम अपग्रेड करना है। ऑडियो सिस्टम में हमें बहुत सारे मिड लगाने हैं जो कि पहले पोलो में लगा हुआ था, तो हमने खोल के रखा है। ये ऑडिटर का 15 इंच का वूफर है और प्लस हमारे पास ये 8 मिड है जिसमें 6 MTS के मिड है, प्लस 2 DD के मिड है और 4 ट्विटर दिए हुए हैं 2 इंच के और 4 इंच के। ये सब हमें क्रूज़ में इंस्टॉल करना है। काफ़ी तगड़े मिड रहते हैं, तो हमारी ये क्रूज़ का काम चालू है। डोर ओपन हो चुका है, तो फ्रंट के डोर में हम डीडी के मिड इंस्टॉल करेंगे। डीडी के मिड का काफ़ी बड़ा मैग्नेट होता है, तो रियर की तरफ जाते हैं हम। रियर की तरफ हमने इसमें 2 एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है, प्लस 1 मोनो इंस्टॉल किया है और पीछे हम 4 मिड इंस्टॉल करेंगे। ये सब पोलो में लगा हुआ था, तो हम खोल के क्रूज़ में इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि पोलो सेल हो चुकी है। अब क्रूज़ लिए भाई ने, व्हीकल के ओनर ने, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मिड जो होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो एज़ पर योर बजट, आपके बजट के हिसाब से आप इसमें जाना चाहो तो जा सकते हैं। काफ़ी तगड़ा बजता है ये, इसका परफॉर्मेंस एकदम क्लासी है, एकदम गुड है। लाउड बजता है, रेंजेबल बजता है, परफेक्ट बजता है एकदम। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखता है। तो फर्स्ट लुक इसका देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा है। पेपर कोन तो नहीं है, पेपर कोन डोर में फिट करते तो पानी जाने से वो ख़राब हो जाता है। तो बाकी रियर का पोर्शन दिखाता हूँ मैं आपको, और काफ़ी वेट है इसका, बहुत ज़्यादा वेट है। जितने भी मिड है उन लोग से तो काफ़ी तगड़ा मिड है ये वेट के हिसाब में, और परफॉर्मेंस में भी बहुत है मस्त है, क्योंकि मैंने बहुत सी गाड़ियों में लगाया है DD के। फाइनली हमारे डोर में मिड इंस्टॉल हो चुके हैं। फ्रंट में हमने DD के मिड इंस्टॉल किए, जिसके लिए हमने 2 रिंग इंस्टॉल किए आगे, क्योंकि इसका मैग्नेट काफ़ी हैवी और बड़ा रहता है, इसलिए हमने 2 रिंग इंस्टॉल किए। रियर में भी हमने MTS के मिड इंस्टॉल किया है विथ रिंग के साथ, तो इसकी फिटमेंट चेक कर सकते हैं आप। काफ़ी तगड़े मिड है ये दोनों, और चारों डोर में हमने मिड इंस्टॉल किए। फ्रंट में DD के इंस्टॉल किए, रियर में हमने MTS के इंस्टॉल किया है, और काफ़ी तगड़ा बजने वाला है परफॉर्मेंस इसका। ऑलमोस्ट हमारे ऑल 4 डोर्स में मिड लग चुके हैं, विद साइड कवर भी फिट हो चुके हैं। फिटमेंट का काम डोर का हो चुका है, अभी वायरिंग इंस्टॉलेशन चालू है पीछे, तो वायरिंग प्रोसेस एम्पलीफायर में और मोनो में कनेक्ट हो रही है। तो आपको एक लुक दिखाता हूँ मैं वायरिंग का, बहुत सारे देख सकते हैं, वायरिंग बहुत सारी है। अभी उसको फिनिशिंग दिया जाएगा ताकि वो एकदम फिटमेंट दिखे, खूबसूरत दिखे। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है, एंड्रॉयड स्टूडियो फिट हो चुके हैं, और डैशबोर्ड में हमने MTS के 2 इंच के ट्विटर इंस्टॉल किए हैं फ्रंट के लिए, और रियर के लिए हमने 4 इंच के MTS के ट्विटर इंस्टॉल किया है विथ 4 मिड के साथ, जो कि फिटमेंट चेक कर सकते हैं आप। और डोर में भी हमने 4 मिड इंस्टॉल किए। तो जाते हैं बूफर की तरफ। जो हमारा बूफर है ये ऑडिटर का है और 15 इंचेस का बूफर है, तो मैं साइज़ भी दिखाता हूँ नाप के। हमारा टेप है और ये 15 इंचेस का बूफर है हमारा, तो इसमें ये रिंग दी हुई होती है, एल्युमिनियम की रिंग है, काफ़ी हैवी रिंग है ये भी। तो ये जो बूफर है डुअल कॉइल का बूफर है, देख सकते हैं। तो ये 800 RMS का बूफर है, और प्लस इस 800 RMS मतलब 2400 वॉट्स का बूफर है। नॉर्मली जो पाइनर के डुअल कॉइल के बूफर आते हैं ये 1500 वॉट्स के रहते हैं, 1400 वॉट्स के रहते हैं, और JBL में भी आते हैं 1500, 1300, 1100, 1200, 1150। तो ये सबका बाप है ये ऑडिटर, क्योंकि उसका लाउडनेस और बेस लेवल तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसा बजने वाला है। तो क्या पता फ़ोन में समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो जो बूफर है काफ़ी तगड़ा है, और ये बहुत हैवी भी है, बहुत हैवी है। तो लेट्स इंस्टॉल करते हैं बूफर को भी, परफॉर्मेंस देखते हैं इसका कैसा है, क्योंकि ये जो बूफर है 2019 से यूज़ किए हुए आ रहा है। 2019 में लॉरा में सबसे पहले लगा हुआ था ये, सॉरी 2019 बोल रहा मैं, 2000
15 से लगा हुआ था, पहले जैन में लगा हुआ था, फिर उसके बाद सिविक में लगा हुआ था, फिर उसके बाद लौरा में लगा हुआ था, फिर उसके बाद पोलो में लगा हुआ था। तो मैं सबके फुटेज डाल दूंगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये कब से है हमारे पास, जो कि अभी तक वर्किंग कंडीशन में अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। कम से कम 7-8 साल हो गया ये वूफर को, अभी तक वर्किंग कंडीशन में गुड ऑडिटर गुड है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं।